ये पूरी घटना पंजाब के परवाना शहर की है। यही के निवासी वरिंदर खेड़ा के 28 वर्षीय बेटे सौरभ की शादी 29 दिसंबर 2017 को थी। शादी के इस दिन को लेकर पूरा परिवार काफी उत्सुक था। इसी बीच फंक्शन की शुरुआत बैंड बाजे और नाच गाने से की गई थी। जानकारी के अनुसार शादी का कार्यक्रम मोगा फिरोजपुर रोड पर स्थित एक पैलेस में था, जिसमें दोनों परिवार काफी खुश नजर आ रहे थे, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मिली जानकारी के अनुसार जब 12 बजे जयमाला की रस्म के लिए दुल्हन को स्टेज पर बुलाया गया और उसने वरमाला सौरभ के गले में डाली तो अचानक सौरभ पीछे की तरफ बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद पूरे पलके में अफरा तफरी मच गई। दूल्हे के अचानक बेहोश होने से पूरे पैलेस में सन्नाटा छा गया। जयमाला के वक्त अचानक दूल्हे के गिरने से बारातियों ने लगभग 15 मिनट तक उसको उठाने का प्रयास किया और पानी पिलाना चाहा, लेकिन जब सौरभ होश में नहीं आया तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां के डॉक्टर्स ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के अनुसार सौरभ को वरमाला डालते वक्त हार्ट अटैक आ गया था, जिसके कारण उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। परिवार वाले अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद वह उसकी लाश को लुधियाना के एक अस्पताल ले गए। जानकारी के अनुसार सौरभ के घर वालों को उम्मीद थी कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है, परंतु लुधियाना के डॉक्टर्स ने भी सौरभ को मृत करार दिया, जिसके बाद पूरा परिवार टूट गया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सौरभ अपने परिवार वालों का इकलौता बेटा था और मोबाइल अथवा स्टेशनरी की दुकान चलाता था।